हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 3-2-1 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेक्चर 17 मार्मेलेड। इन दिस लेक्चर आई विल कवर व्हाट इज मार्मेलेड, एफपीओ स्पेसिफिकेशन फॉर मार्मेलेड, देन टाइप्स, रेसिपी एंड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग मार्मेलेड्स। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इट इज similar to fruit jelly, but the slices or peels of the fruit remain suspended. यह जो जेली होती है बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, जैसे अपने पिछले लेक्चर के अंदर जेली का पूरा प्रोसीजर पढ़ा, सेम जेली जैसा ही होता है। और जो इसमें स्लाइसेज होते हैं, टुकड़े कह लो, उसके पीस कह लो, ठीक है, फ्रूट के, और या फिर उसका जो छिलका होता है उसको जो जेली है उसके अंदर सस्पेंड जैसे हो ऐसा होता है, मतलब जेली के अंदर जैसे छिलके उसके अंदर तैरते हुए दिखाई दे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जेली होती है, जेली के अंदर छिलके जो हैं छोटे छोटे टुकड़े छिलकों के वो सस्पेंडेड रहे। मार्मेलेड्स आर टिपिकली मेड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस एंड लेमन विद पीसेज ऑफ द पील मिक्स इन एज ए सस्पेंडेड मटीरियल। मार्मेलेड्स को कह लो कि नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनसे बनाया जाता है, सिट्रस पीसेज जो है उनसे बनता है, जैसे ऑरेंज है, नारंगी, लेमन, नींबू है, ठीक है, उससे बनाया जाता है। और इन्हीं का जो छिलका रहता है वो उसके अंदर यूज किया जाता है, जैसे कोई तैरता हुआ मटेरियल उसके अंदर तैरता हुआ हो, ठीक है, उसके रूप में उसको यूज किया जाता है। इनके छिलके जो लेदरी रिंड रहती है उसको यूज किया जाता है, और जो उसका जूस या कह लो उसकी जो पल्प रहती है उससे जेली बनाई जाती है। फिर उसके अंदर जो उसी के छिलके रहते हैं, जैसे ऑरेंज है, स्वीट ऑरेंज है, उनको यूज किया जाता है। एज पर एफपीओ स्पेसिफिकेशंस द कंटेंट ऑफ फ्रूट एंड सोल्युबल सॉलिड इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर जेली एंड मार्मेलेड शुड बी नॉट बी लेस देन 45% and 64% रिसेप्टली। जो एफपीओ की स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब जो उसके निर्देश हैं ये कह लो, ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के, उसके अनुसार जो फल है और जो TSS है, सोल्युबल सॉलिड्स हैं, वो फाइनल जेली के अंदर और मार्मेलेड्स के अंदर 45% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो जूस सॉरी जो फ्रूट कंटेंट है उसके अंदर फल का भाग, वो 45% से कम नहीं होना चाहिए, और जो सोल्युबल सॉलिड्स हैं वो 64% से कम नहीं होने चाहिए मार्मेलेड्स के अंदर, ठीक है। नोट, द आउटर येलो पील ऑफ एन ऑरेंज कॉल्ड फ्लेविडो इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, पोलीमेथॉक्सी, फ्लेविनॉल्स एंड कैरेटिनोइड्स। जो छिलका होता है ऊपर वाला ऑरेंज का या फिर सिट्रस के अंदर, ठीक है, उसे फ्लेविडो कहा जाता है। आगे ये टर्म यूज होगी, इसीलिए मैंने पहले इसको नोट डाल के लिखा आपके लिए, कि क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि फ्लेविडो क्या है, या तो ऐसे डेफिनेशन पूछ ली, या उस जो आउटर येलो पील रहती है उसको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये मार्मेलेड्स के अंदर यूज किया जाता है, तो उसको वहाँ पे फ्लेविडो कहा जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है विटामिन सी का। मतलब इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसके साथ में पोलीमिथॉक्सी, फ्लेविनॉइड्स, इसके अलावा कैरेटिनॉइड्स जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, रंग वर्णक जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, जो ऊपर वाला जो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, और इसके नीचे एक लेयर होती है वाइट कलर की जिसे एल्बिडो कहा जाता है, इनर वाइट पोर्शन कॉल्ड एल्बिडो, ठीक है, ऊपर वाला येलो पोर्शन फ्लेविडो और अंदर वाला एल्बिडो। इज ए रिच सोर्स ऑफ फिनोलिक्स, फ्लेविनोइंस इज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं वो, और इसके अलावा फेनेविनोल्स, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनके अंदर रिच होता है, मतलब जो वाइट वाला पोर्शन रहता है, और इसमें पैक्टिन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वाइट वाले पोर्शन में ज़्यादा होता है ऊपर वाले छिलके की तुलना में, क्योंकि ऊपर वाले छिलके में ज़्यादातर जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो होती हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा पैक्टिन नहीं पाया जाता, पर जो इनर वाला वाइट वाला पोर्शन होता है सिट्रस के अंदर उसमें पैक्टिन ज़्यादा होता है। There are two types of marmalades, jelly marmalades, jam marmalades. जो marmalades है आगे अपने पढ़ेंगे दो टाइप के होते हैं, एक तो jelly marmalades होता है, एक jam marmalades होता है। Jelly marmalades क्या होता है? Clear pectin extract are used in jelly marmalades. Some of the best combination for marmalades are
जो क्लियर पैक्टिन एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब जिसमें जैसे अपने जैली बनाई थी, ठीक है, जैली के अंदर अपने एक्सट्रैक्ट को अलग किया था, छाना था, पहले फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उसको बॉयल किया, ठीक है, फिर उसके बाद उस एक्सट्रैक्ट को छान लेते हैं, ठीक है, 20-25 मिनट उबालने के बाद उस एक्सट्रैक्ट को छान के अलग कर लेते हैं और उसमें जो भी सस्पेंडेड मटेरियल होता है उसको मतलब छान देते हैं, उसको निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं और बिल्कुल क्लियर एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। सेम ऐसा ही जैली मार्मेलेट्स में किया जाता है, बिल्कुल क्लियर एक्सट्रैक्ट होता है उसको यूज करते हैं जैली मार्मेलेट्स के अंदर, और यही ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू जैम मार्मेलेट्स की तुलना में। जैली मार्मेलेट्स ही ज़्यादा फेमस होता है, मतलब ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है मार्मेलेट्स बनाने के लिए, जैसे स्वीट ऑरेंज एंड खट्टा और शोर ऑरेंज सिट्रस ओरेंटम इज द रेशियो ऑफ 2:1 बाई वेट पीसेज ऑफ स्वीट ऑरेंज पील आर यूज। स्वीट ऑरेंज यानी कि मौसमी अपने कहते हैं, ठीक है, और खट्टा, दोनों को कॉम्बिनेशन है, दोनों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ इसमें थोड़ा सा आप खट्टे की जगह शोर ऑरेंज भी ले सकते हो, सिट्रस ओरेंटियम, ठीक है, और ये दोनों का जो रेशियो रखा जाएगा स्वीट ऑरेंज 2 भाग और 1 भाग उसमें खट्टा का, और इसमें जो सस्पेंडेड मटेरियल यूज करते हैं यानी कि जो छिलके यूज करेंगे, श्रेड यूज करेंगे, वो स्वीट ऑरेंज के छिलके यूज करेंगे, ठीक है, उनको प्रिपेयर करेंगे फिर उनको यूज करेंगे। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया स्वीट ऑरेंज और खट्टा का, दूसरा है ऑरेंज एंड खट्टा इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई वेट पीसेज ऑफ ऑरेंज पील आर यूज। दूसरा है ऑरेंज का और खट्टा का, ठीक है, जिसमें ऑरेंज 2 भाग और खट्टा 1 भाग वजन के हिसाब से, और इसमें जो ऑरेंज का छिलका होता है उसको यूज किया जाता है सस्पेंडेड मटेरियल के लिए, ठीक है, जो उसमें तैरता हुआ दिखाई दे। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन है स्वीट ऑरेंज एंड गलगल और लेमन सिट्रस लेमोनिया इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय वेट पीसेज ऑफ ऑरेंज पील आर यूज। स्वीट ऑरेंज और गलगल, ठीक है, दोनों का रेशियो रखा जाता है, गलगल एंसेस्टर है लेमन का ही है, ठीक है, तो दोनों को यूज करते हैं 2 भाग स्वीट ऑरेंज के मौसमी के और गलगल का 1 भाग, और इसमें ऑरेंज पील को यूज किया जाता है, या फिर कह लो कि स्वीट ऑरेंज की जो छिलका होता है उसको यूज किया जाता है इसमें सस्पेंडेड मटेरियल के लिए। नेक्स्ट है जैम मार्मेलेट्स। जैम मार्मेलेट्स क्या है? जैम मार्मेलेट्स आर प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज जैली मार्मेलेट्स एक्सेप्ट दैट जैम मार्मेलेट्स आर मार्मेलेट्स यूज्ड द अनक्लियर एक्सट्रैक्ट और इट इज नॉट फिल्टर्ड एंड द होल पल्प इज यूज्ड। जैम मार्मेलेट्स में जैसे अपने जैम के अंदर बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि अपने कोई एक्सट्रैक्ट अलग से नहीं करते, बस बॉयल किए फ्रूट उसकी पूरी की पूरी पल्प को यूज कर लेते हैं, सेम वैसे ही करते हैं, इसमें क्लियर एक्सट्रैक्ट यूज नहीं किया जाता, फिल्टर नहीं करते उसको, ठीक है, सारी की सारी पल्प को यूज कर लिया जाता है। शुगर इज एडेड इन द रेशियो ऑफ 1:1, इसमें जो शुगर ऐड किया जाता है मतलब 1 वजन जो उसका गुद्दा है फल का और 1 ही किलो उसमें चीनी मिलाते हैं, मतलब 1:1 रेशियो में मिलाया जाता है। द पल्प शुगर मिक्सचर इज कुक्ड अंटिल द TSS कंटेंट रीचेज 65%, और शुगर और पल्प के मिक्सचर को तब तक पकाया जाता है जब तक कि जो उसका TSS है टोटल सॉल्युबल सॉलिड 65% तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। ये है जैम मार्मेलेट्स, पर ज्यादा जो फेमस है मैंने पहले बताया था जैली मार्मेलेट ज्यादा फेमस है। रेसिपी स्वीट ऑरेंज 1 kg, ठीक है, अपने अब बनाने की विधि जो उसमें सामान इंटीग्रेडिएंट्स डलते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वीट ऑरेंज 1 किलो, ठीक है, 1 किलो, लाइम 0.5 kg, यही हुआ अपना जो रेशियो था 2:1, ठीक है, 1 और उस पर 2:1 के हिसाब से इसको डाला है। आफ्टर पैक्टिन एक्सट्रैक्शन, मतलब पहले इसमें से स्वीट ऑरेंज को अपने और लाइम को पहले बॉयल किया, उबाल लिया, अब उसमें से एक क्लियर पैक्टिन एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, उसको छान लेते हैं। पैक्टिन एक्सट्रैक्ट जब निकला उसको वैसे पैक्टिन उसका टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से उसमें चीनी मिलाई जाती है, जितना भी पैक्टिन होता है, जैसे अपने जैली में ही निकालते हैं, जैली के लिए जो भी टेस्ट थे, जैसे एक तो एल्कोहल टेस्ट था, एक जेल मीटर टेस्ट था, तो दोनों के हिसाब से उसमें चीनी मिलाई जाती है। फिर पैक्टिन एक्सट्रैक्ट के हिसाब से अगर अपने निकाल लेते हैं, उसके बाद पैक्टिन एक्सट्रैक्ट 1 लीटर कह लो, ठीक है, उसमें शुगर 750 ग्राम लगभग, ठीक है, वैसे तो देख के उसके हिसाब से, और श्रेडेड पील 62 ग्राम, मतलब 1 लीटर के अंदर 62 ग्राम पील मिलाते हैं छिलका, उसके जो छिलके रहते हैं छोटे छोटे टुकड़े काट के उनको मिलाया जाता है।
ये है फ्लो शीट उसका, मार्मेलेट्स का। मार्मेलेट्स का फ्लो शीट है, जैसे पहले आपने फ्रूट ले लिए, पके हुए फल ले लेते हैं, फिर उनको धो लिया जाता है, वॉशिंग कर ली जाती है, देन पीलिंग आउटर येलो पोर्शन फ्लेविडो थिनली, उसके बाद जो ऊपर वाला छिलका रहता है, ठीक है, येलो पोर्शन रहता है जिसको फ्लेविडो मैंने बताया था पहले, उसको पतला पतला छीन लिया जाता है, कटिंग येलो पोर्शन इंटू फाइन श्रेड्स, उसके बाद उसको पतली पतली कतरन के अंदर काट लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं, लगभग 1.9 टू 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, इतने इतने लंबे, 1.9 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे और 0.08 से 0.12 सेंटीमीटर थिक, इतने मोटाई के, ठीक है। और प्रिपेयर श्रेडेड पील, उसके बाद जो श्रेडेड पील होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है, मतलब उसके टुकड़े काट लिए, टुकड़े काटने के बाद उसको उबाला जाता है बाय बॉइलिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स, उसको बाद में उबालते हैं, पानी के अंदर उबालते हैं, ठीक है। और भी दो तीन विधियां हैं श्रेड को प्रिपेयर करने के लिए, वो अपने आगे पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। तो सिंपली उसको बॉयल करके उसको सॉफ्ट कर लिया जाता है उन छिलकों, और उसकी जो कड़वाहट होती है वो भी उबालने से निकल जाती है। देन कटिंग ऑफ पील्ड फ्रूट्स इन थिक स्लाइसेस, इसके बाद जो अपने जिसको छील लिया था, ठीक है, उसके छिलके तो अलग से यूज कर लिया, तैयार कर लिया, अब जो फ्रूट बचा था उसको अपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, देन बॉयलिंग, फिर उसके बाद उसको उबालना स्टार्ट करते हैं विद 2 to 3 टाइम्स इट्स वेट ऑफ वाटर फॉर 40 to 50 मिनट्स, इसके वजन के हिसाब से 2 से 3 गुना पानी के साथ 40 से 50 मिनट तक उसको बॉयल करते हैं जो टुकड़े होते हैं फल के, देन स्ट्रेनिंग द एक्सट्रैक्ट, उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको छान लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पैक्टिन, फिर उसके बाद उसमें पैक्टिन नोट कर लिया जाता है कितना है बाय जेल मीटर और अल्कोहल टेस्ट, दोनों के हिसाब से चेक कर लिया जाता है, देन एडिशन ऑफ शुगर, फिर उसके हिसाब से जेली जो पैक्टिन है उसके हिसाब से उसमें शुगर मिलाते हैं, चीनी मिला ली जाती है, देन कुकिंग टू 103 to 105 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 103 से 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने तक उसको पकाया जाता है चीनी मिलाकर, ठीक है। फिर एडिशन ऑफ प्रिपेयर्ड श्रेड, उसके बाद जैसे ही वो इतना टेम्परेचर आ जाता है उसके बाद उसमें जो प्रिपेयर आपने श्रेड टुकड़े उबाल के रखे हुए थे उनको उसमें मिक्स कर दिया जाता है, देन फिर बॉइलिंग, फिर उसको उबाला जाता है, जजिंग द एंड पॉइंट, फिर उसका जो एंड पॉइंट होता है उसको जज किया जाता है कि पक गया या नहीं पक गया, ठीक है। देन कूलिंग, उसको ठंडा किया जाता है, एडिशन ऑफ फ्लेवरिंग, जो भी उसमें सुगंध मिलानी है आपको, खुशबू मिलानी है वो उसमें मिलाई जाती है, देन फिलिंग ऑफ स्टरलाइज्ड बोतल, उसके बाद जो भी अच्छी निर्जमीकृत की हुई बोतलें, स्टराइल की हुई बोतलों में उसको भर दिया जाता है, देन स्टोरेज, उसके बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है। ये फ्लो शीट थी, अब अपने एक एक करके इसको पढ़ते हैं। मार्मेलेट्स प्रिपरेशन प्रोसेस क्या है, फ्रूट प्रिपरेशन, पहले फल कैसे तैयार करते हैं, द आउटर येलो फ्लेविडो पार्ट ऑफ द रिंड ऑफ सिट्रस फ्रूट कंटेन्स कलरिंग मैटर एंड वोलेटाइल ऑयल्स व्हाइल द इनर वाइट एल्विडो पार्ट कंटेन पैक्टिन, जो ऊपर वाला भाग मैंने पहले भी बताया था जिसको फ्लेविडो कहते हैं, सिट्रस की रिंड जिसको कह देते हैं, जिसमें जहाँ तो कलरिंग मैटर जैसे कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है और उसके अलावा उसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, जबकि जो अंदर वाला वाइट वाला पोर्शन होता है जिसको एल्बिडो कहते हैं उसमें पैक्टिन होता है। द येलो पार्ट ऑफ द पील इज थिनली पील्ड ऑफ द फ्रूट विद ए स्टेनलेस स्टील नाइफ, जो स्टेनलेस स्टील का चक्कू होता है, ठीक है, उससे उसकी जो छिलका होता है ऊपर उसको पतला पतला छील लिया जाता है। देन थिन येलो पील इज कट इन टू फाइन पीसेज विद ए नाइफ और यूजिंग ए श्रेडेड मशीन, जो थिन येलो कलर की आपने छिलका उतारा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, कई बार श्रेडेड मशीन भी आती हैं उनसे भी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, ठीक है। द पीसेज आर बॉइल्ड एंड ड्राइड टू रिमूव द बिटरनेस, जो पीस होते हैं मतलब जो आपने उसके श्रेड को तैयार किया था, छिलके को तैयार किया था, उसको उबाला जाता है, फिर उसके बाद उनको ड्राई कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है कि उसमें जो बिटरनेस है वो निकल जाए, उसकी कड़वाहट निकल जाए। कट और क्रश्ड फ्रूट आर बॉइल्ड स्लोली इन वाटर 2 to 3 टाइम्स टू एक्सट्रैक्ट द पैक्टिन, जो कटे हुए जहाँ कह लो जहाँ जो श्रेडेड क्रश्ड फ्रूट्स होते हैं मतलब उनको जहाँ तो पीस लिया जाता है, पीसने से मतलब उसको लुगदी बना लेते हैं या उनको छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं, उसके बाद उनको उबाला जाता है, धीरे धीरे उबालते हैं, लगभग 2 से 3 बार उबालते हैं उस एक्सट्रैक्ट को, ठीक है, पैक्टिन के लिए। वाइल इट इज बॉइलिंग बींग बॉइल्ड ए टी स्पून ऑफ क्लेरिफाइड एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पान एंड टेस्टेड विद एल्कोहल
और है जेलमीटर टू डिटरमाइन इट्स पेक्टिन कंटेंट। जब अपने उसको बॉयल कर लेते हैं तो उसके बाद उसका एक चम्मच उसमें से एक्सट्रैक्ट ले लिया जाता है, छना हुआ एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं एक कह लो कि पैन के अंदर, फिर उसमें उसका एल्कोहल टेस्ट किया जाता है। जहाँ उसके अलावा आप जेलमीटर टेस्ट भी कर सकते हो। वैसे ये दोनों के दोनों टेस्ट जो हैं मैंने जेलीमीटर के अंदर अच्छे से बताए हुए हैं, अगर किसी को ना समझ में आए तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। द बॉइलिंग प्रोसेस यूजली टेक्स 45 to 60 मिनट्स। जो उबालने का समय होता है इसमें मतलब लगता है लगभग 45 से 60 मिनट तक उस में से अपने पैक्टिन निकालने से पहले मतलब उसको उबालते हैं, फिर उसके बाद पैक्टिन का टेस्ट किया जाता है। आफ्टर बॉइलिंग द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड थ्रू ए मसलिन क्लॉथ। जैसे ही बॉइलिंग खत्म हो जाती है अपने को लगता है कि 45-60 मिनट हो गए, अब बिल्कुल घुल चुका है सारा कुछ, तो उसमें उसे फिल्टर कर लिया जाता है एक मसलिन क्लॉथ से, ठीक है, एक कपड़े से उसको छान लेते हैं। पैक्टिन एक्सट्रैक्ट कैन आल्सो बी फिल्टर्ड विद अ फिल्टर प्रेस टू ऑब्टेन ए क्लियर एक्सट्रैक्ट। इसको फिल्टर प्रेस से भी छाना जाता है, एक आपको बिल्कुल साफ एक्सट्रैक्ट प्राप्त करना है, अर्क प्राप्त करना है, तो फिल्टर यूज कर सकते हो, फिल्टर प्रेस को यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ श्रेडेड पील। जो श्रेडेड पील है उसको प्रिपेयर करना। द पील्स 1.9 to 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब जो छिलका मैंने पहले बताया था श्रेडेड से भी काट देते हैं, टुकड़े काट लेते हैं, तो उनका जो लंबाई रहती है 1.9 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे और 0.8 से 0.12 सेंटीमीटर थिक आर कट, मतलब जो छिलके होते हैं उसको इतनी मोटाई के और इतनी लंबाई के काट लिए जाते हैं। देन पीसेज आर बॉइल्ड एंड सॉफ्टन बिफोर बींग एडेड टू द मार्मेलेड्स। जो पीस होते हैं उनको उबाला जाता है और सॉफ्ट कर लिया जाता है, कोमल बना लिए जाते हैं, जब कि अपने उसको मार्मेलेड्स में ऐड करना होता है उससे पहले। इफ़ दे आर एडेड डायरेक्टली टू द शुगर सॉल्यूशन विदाउट सॉफ्टनिंग एंड देन बॉयल्ड दे हार्डन। अगर अपने उनको बिना उबाले हुए मतलब उसको पहले सॉफ्ट किया वो ना करें और सीधे ही शुगर के सॉल्यूशन में डाल दें, जैसे उबलती हुई जेली के अंदर डाल दें, तो वो क्या होगा, वो कठोर हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। जनरली 3 मेथड्स आर यूज टू सॉफ्टन श्रेड। जनरली जो 3 मेथड यूज किए जाते हैं श्रेड को तैयार करने के लिए, मतलब सॉफ्ट करने के लिए उस श्रेड को। पहला है द पील श्रेड इज बॉइल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स बाय चेंजिंग द वाटर सेवरल टाइम। इन दिस प्रोसेस द बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द पील आर आल्सो रिमूव। पहला तो मेथड है कि 10 से 15 मिनट तक जो छिलका है उसको 2-3 बार पानी को चेंज करके, ठीक है, उबाला जाता है, मतलब एक बार पानी में उबाल लिया, फिर पानी निकाल दिया, फिर दूसरी बार फिर पानी डाल के फिर दूसरी बार उबाल लिया। इससे क्या होता है कि जो उसके अंदर बिटर प्रिंसिपल होता है, कड़वाहट वाला उसमें यौगिक या कह लो कि तत्व पाया जाता है, वो भी हट जाता है। दूसरा मेथड होता है द श्रेड आर बॉइल्ड इन ए 0.25% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 0.1% सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। जो श्रेडेड होती है उसको उसमें सोडियम कार्बोनेट 0.25% को मिलाकर उबाला जाता है, ठीक है, या फिर उसमें अमोनिया 0.1% अमोनिया मिला के उस श्रेड को उबाला जाता है। दूसरा मेथड ये है, एक तो आप सिंपली उबाल लो, दूसरा उसमें अमोनिया या सोडियम कार्बोनेट मिला के उसको उबालो। तीसरा मेथड होता है ऑटोक्लेव मेथड। ऑन द पीसेज आर ऑटोक्लेव एट 116 degrees Celsius to 121 degrees Celsius, 70 to 105 kilopascal. The time required for the pieces to soften depends on the size and shape. दूसरा मेथड है ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव के अंदर 116 से 121 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर, जिसमें जो प्रेशर रहता है 70 से 105 किलोपास्कल का रहता है, ठीक है, इतने प्रेशर उस ऑटोक्लेव के अंदर, ठीक है, इतना टेम्परेचर और इतने प्रेशर के ऊपर उसको ऑटोक्लेव्ड किया जाता है, ठीक है, ऑटोक्लेव के अंदर रखे जाते हैं, उबाले जाते हैं कहने का मतलब एक तरीके से। उसके बाद जो उसके अंदर टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है और उनकी शेप कैसी है उस श्रेड की, जो आपने पील यूज कर रहे हो, टुकड़े यूज कर रहे हो, कतरन यूज कर रहे हो, उसके कितने कितने मोटे आपने टुकड़े काटे हैं या कितने लंबे और चौड़े टुकड़े काटे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम चाहिए होगा ऑटोक्लेव के अंदर, ठीक है। ये 3 मेथड थे पील को तैयार करने के लिए, जो श्रेड उसके अंदर डालते हैं। फिर नेक्स्ट है कुकिंग, पकाना। द जूस इज बॉइल्ड इन ए स्टीम जैकेट कैटली और स्टेनलेस स्टील वेसल्स विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है। उसके बाद जो जूस होता है, जहाँ कह लो कि जो एक्सट्रैक्ट होता है अर्क, ठीक है, पैक्टिन वाला, उसको जो होता है स्टीम जैकेट कैटली होती है,
ठीक है, जिसके चारों तरफ एक कह लो कि स्टीम लगी हुई रहती है, स्टीम जैसी होती है, अंदर से अंदर उसके मटेरियल डाल देते हैं, केटली आती है। जब फिर जो स्टेनलेस स्टील का एक बर्तन रहते हैं उसके अंदर एक जितनी मात्रा में चीनी चाहिए वो मिलाकर उसको उबाला जाता है। चीनी मैंने पहले बताया था पैक्टिन टेस्ट के हिसाब से डाली जाती है, जितना पैक्टिन उसके हिसाब से उसमें चीनी डाली जाती है, नहीं तो नॉर्मली जैसे पहले मैंने बताया ये रेसिपी के अंदर 750 ग्राम लगभग चीनी एक किलो के अंदर, एक लीटर अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट है तो उसके अंदर मिलाई जाती है। बॉइलिंग इज कंटिन्यूड एंड इम्प्यूरिटीज दैट राइज टू द सरफेस आर रिमूव। बॉइलिंग को निरंतर रखा जाता है, लगातार उबालते रहते हैं और जो उसके ऊपर कह लो कि झाग जहाँ उसमें अंदर कोई गंदगी जो ऊपर आ जाती है, ठीक है, सरफेस के ऊपर आ जाती है, उसको टाइमली कह लो कि समय समय पर निकालते रहते हैं। जैसे कोई भी झाग आई, स्कम आई, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो जैली बन रही है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई गंदगी दिखाई ना दे। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग मिक्सचर रीचेस 103 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल, रेडी श्रेड पीसेस एट द रेट ऑफ 62 ग्राम फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ द ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट आर एडेड टू इट। जैसे ही तापमान बॉइलिंग का, जैसे अपने उबाल रहे हैं तो उसका तापमान 103 डिग्री सेल्सियस, समुंदर तल के हिसाब से 103 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तब उसमें जो आपने तैयार कर रखे हैं छिलके, ठीक है, उबाल के तैयार कर रखे हैं, उनको 62 ग्राम छिलके एक किलो या एक लीटर एक्सट्रैक्ट के हिसाब से, एक लीटर अगर एक्सट्रैक्ट यूज किया है तो उसमें 62 ग्राम के हिसाब से उसमें मिला दिए जाते हैं, ठीक है। बॉइलिंग इट इज कंटिन्यूड अंटिल द जेलिंग पॉइंट इज रीच्ड विद व्हिच इज डिटरमाइंड यूजिंग द शीट टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट और वेट टेस्ट। बॉइलिंग को कंटिन्यू रखा जाता है, मतलब लगातार उबालते रहते हैं उस श्रेड को मिलाने के बाद भी, जब तक कि जो जेली है एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती, जेलिंग वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती कि जेली जम जाए, सेट हो जाए, ठीक है। और इसे अपने कैसे जज कर सकते हैं, या तो शीट टेस्ट अपने पीछे वाले जेली में पड़ा था, जब फिर ड्रॉप टेस्ट होता है उससे आप पता कर सकते हो, जिसको फ्लैग शीट टेस्ट या फ्लैग टेस्ट भी कह देते हैं, या फिर आप वजन के हिसाब से भी उसको पता कर सकते हो कि जेली तैयार हो गई है। देन एडिशन ऑफ फ्लेवर, एडिशन ऑफ फ्लेवर कह लो या उसमें जो सुगंध है या खुशबू है उसको मिलाना। ड्यू टू द वोलेटाइल नेचर ऑफ द नेचुरल फ्लेवर ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस इट इज डिजायरेबल टू एड आर्टिफिशियल फ्लेवर टू कंपेंसेट फॉर द लॉसेस। जो इसका नेचर होता है इसका फ्लेवर का, जो उसमें अपने जैसे सिट्रस के अंदर जो खुशबू होती है वो एक वोलेटाइल नेचर होता है उसका, मतलब वो उड़नशील होती है, जैसे उसको अपने पकाते हैं तो वो उड़ जाती है, तो आपके जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें खुशबू नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि आप आर्टिफिशियली उसमें थोड़ी बहुत जो फ्लेवर है उसको मिलाओ, जिससे कि जो लॉस हुआ है उस फ्लेवर का उसको पूरा किया जा सके। टिपिकली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑरेंज ऑयल इज एडेड टू मार्मेलेड्स व्हेन फिलिंग इन जार्स और कैंस एज ए फ्लेवर। जो जनरली क्या करते हैं, ये कह लो कि एक ऑरेंज ऑयल जो इसकी फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है उसको ऐड किया जाता है, नारंगी का तेल आता है, ठीक है, ऑरेंज का ऑयल आता है, तो उसको ऐड कर देते हैं थोड़ी सी मात्रा में, जैसे ही उसको जार के अंदर अपने भरने वाले होते हैं, तैयार हो गई जैली, उसके बाद उसमें थोड़ी सी मात्रा में ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, ऑरेंज ऑयल डाल देते हैं फ्लेवरिंग के लिए, जिससे कि फ्लेवरिंग आती रहे। Then packaging, marmalades after cooling are filled in jelly glasses or glass jar which can be airtight, closed or packed in cans that are hermetically sealed. Marmalades को ठंडा होने के बाद या तो जेली वाले जो ग्लास रहते हैं, ठीक है, जहाँ ग्लास के या कांच के जो जार बर्तन रहते हैं उनके अंदर बिल्कुल एयरटाइटली बंद कर दिया जाता है, और जो जहाँ फिर इनको कैन के अंदर भी जो डिब्बे होते हैं उनके अंदर भी बंद कर देते हैं बिल्कुल हर्मेटिकली, जहाँ कह लो कि उसमें कोई हवा अंदर ना जाए, ऐसे इस तरीके से उसको बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। द मार्मेलेट्स इज अलाउड टू सेट ओवरनाइट इन जेली ग्लासेस एंड व्हेन कूल्ड। मार्मेलेट्स को पहले पूरी रात कह लो कि जेली ग्लास के अंदर डाल के उसको जमने दिया जाता है, ठंडा होने दिया जाता है। देन ए थिन लेयर ऑफ मेटल मेल्टेड
पैराफिन वैक्स इज पोर्ड ओवर द टॉप। उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी पैराफिन वैक्स की एक लेयर को, पिघली हुई पैराफिन वैक्स जो है उसकी एक लेयर को चढ़ा दिया जाता है, ऊपर डाल दिया जाता है कि उसमें एकदम से हवा उसके अंदर जहाँ कह लो कि कोई कंटामिनेशन ना हो, ठीक है, हवा अंदर ना जाए। देन पैक्ड इन ए 21/2 साइज कैन, देन स्टोर्ड इन ए कूल ड्राई प्लेस विद द लिड अपसाइड डाउन टू स्टरलाइज। इसके बाद क्या करते हैं कि एक केन आते हैं, जो डिब्बे आते हैं, ठीक है, ये केन के लिए है। वैसे तो ग्लास के अंदर भी, ग्लास जार के अंदर भी जो जेली वाले होते हैं उनमें भी डाल देते हैं, पर अगर कैन के अंदर करना है तो कैन का जो साइज़ होता है 21/2 साइज़ के जो कैन आते हैं उनको यूज करते हैं। उसके बाद उन्हें ठंडे और शुष्क जगह पे रखा जाता है, जो लेड वाला भाग होता है जिस साइड ढक्कन लगा हुआ रहता है उसे नीचे की साइड रखा जाता है, उल्टा कर देते हैं बॉक्स डब्बों को, कैन को, जिससे क्या होता है कि वो स्टरलाइज हो जाता है, नीचे की साइड से भी स्टरलाइज हो जाता है, जिससे कि बिल्कुल हवा अंदर क्रॉस नहीं करती, अंदर नहीं जाती। थैंक यू।